एफ एस सी में जोलॉजी का था वो प्रैक्टिकल, और मुझे तो आता जाता क्वेश्चन बिल्कुल, मुझे अब यकीन मैंने इसी तरह पास हुआ। तो जुमे का दिन था, उस दिन मैंने बड़े अहतमाम से जुमा पढ़ा। जुमे में एक घड़ी ऐसी है कि जो दुआ मांगो कबूल हो जाती है। जुमे के दिन 24 घंटों में एक घड़ी ऐसी आती है जो दुआ आप मांगोगे थक जाएगी। तो उस दिन मुझे लगता है कि उसी घड़ी में मेरी दुआ ऊपर गई। तो मैं गया मस्जिद बड़े अहतमाम से, नहा धोते, कपड़े बटाते, जो पढ़ के बह गए, या अल्लाह मुझे तो कुछ नहीं आता, मैं अभी जाके सो जाऊंगा, तो मुझे ख्वाब में सारा दिखा देना क्या क्या आने वाला। वो हो सकता है वही घड़ी कबूलियत की थी। मैं आया नमाज घर और किताब उठा के यूँ रखी अपने सराहने और सो गया। तो मेरे 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट आँख लगी होगी, मैंने देखा मैं लेबोरेटरी में बैठा हूँ और मेरे सामने खरगोश बेहोश आने लगे और वो रखे गए। उसके बाद लेफ्ट साइड से एक एग्जामिनर अंदर आता है, यहाँ स्लीवलेस शर्ट सफ़ेद और ग्रे रंग की उसने पतलून पहनी हुई है, और वो 5 सवाल लिखाता है और कहता है कोई से 4 हल करें। मेरी जो आंख खुली, मुझे 5 क्वेश्चन याद थे कि क्या उसने कहा है। और खरगोश में ज़्यादा कहेगा भाई डिसेक्शन करके डाइजेस्टिव सिस्टम दिखाओ या उसका लिवर सिस्टम दिखाओ। तो मैंने खरगोश को पढ़ लिया और वो 5 सवाल पढ़ लिए। जब मैं पहुंचा प्रैक्टिकल के लिए तो मैंने देखा बेहोश खरगोश हमारे सामने आने लगे। मैं कह रहा है भाई पहली गल तो पूरी हो गई, खरगोश आ गए। अब बच्चों अब यकीन, मैं इसलिए कहता हूँ कि मेरी दुआ उस घड़ी में गई, वो घड़ी छुपी हुई है, किसी को भी मिल सकती है किसी वक्त, मुझे उस दिन वो मिल गई। तो इधर से आया एग्जामिनर स्लीवलेस सफ़ेद शर्ट और ग्रे पतलून, मैं कह ए गल भी पूरी हो गई। उसके बाद उसने 5 सवाल लिखाए, उनमें एक क्वेश्चन वो था जो मेरे ख्वाब में नहीं था और 4 वो थे जो मेरे ख्वाब में थे, और उसने कहा कोई से 4 हल करे। मैं कहा अल्लो उन्हें हल कर देना, मैं याद करके आया बैठा था सारा। तो मैं तो जब इम्तिहान करीब होता था नमाजें शुरू कर देता था, अल्लाह के साथ भी 2 नंबरी हो मैं कुर्बान जाऊँ, अल्लाह उस 2 नंबरी को भी मान लेता था। चलो भैया जी दुआ कबूल करो, पास कर दो, फेल ना करो, पास।